राम राम। मैं शशि से शिकांता की रसोई से बहुत अच्छी अच्छी डिशेज मिल रही, आइए चलते हैं। चलिए नमस्कार, शशिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। और देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी जन्माष्टमी के लिए एक स्वीट बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मालपुआ। सभी ने बनाया होगा लेकिन मेरे स्टाइल से भी बनाकर देखिएगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये देखिए पौना कप जो है ये आटा लिया है, मतलब पूरा कप नहीं लिया है, 3/4 कप लिया है इसमें। और 1/4 कप 1/4 इसमें सूजी ली है। और इसको ये देखिए 2 चम्मच फ्रेश दूध की मलाई है जो मैं इसमें डाल दूंगी। इसको मिक्स करते हैं। इधर मैंने ये देखिए दूध लिया है। दूध को हल्का गुनगुना लीजिएगा जिससे आपकी उंगली का टेम्परेचर, बस इतना लीजिएगा जो आपकी उंगली चली जाए। और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसको इसका पेस्ट बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा एक साथ थोड़ा ही थोड़ा डालिए, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो फिर ये लम्स आ जाएंगे इसमें। ये देखिए अभी मैंने पूरा 1 कप दूध इसमें लग गया है, 1/4 कप आटा और 1/4 कप जो है सूजी और 1 कप दूध इसमें मैं डाला और मलाई डाली है इसमें। देखिए तो अभी मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी, तो इसके लिए पहले इसमें और 1 चम्मच अंदर इसमें चीनी भी डाल दे रहे हैं ये देखिए। और थोड़ा सा ये मेरे पास रोज एसेंस है, आपके पास हो तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। इसे अच्छा सा खूब खुशबू आती है बढ़िया। इसको मिला के उसको रख देते हैं 15 मिनट के लिए। और इधर मैंने क्या लिया है कि 1 कटोरी मैंने चीनी ली है चाशनी बनाने के लिए। और इसमें इसी में मैंने चाशनी में ये 2 इलायची ये डाल दी है। और इसमें 1 कटोरी चीनी है तो 2 कटोरी इसमें हम पानी डाल के इसकी चाशनी नहीं बनानी है, मतलब केवल चीनी घुल जाए और चिपचिपी हो जाए उसे उतना तक बनाना है। देखिए इसी कटोरी से चीनी लिया था, इसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी है तो 2 कटोरी इसमें पानी डाल देते हैं। और इस तरह ये बनाएंगे और चलाते रहेंगे इसको। ये देखिए ये खोल रही है और इसको चेक करते हैं। बस चाशनी नहीं बनानी है, बस केवल चिपकने वाली हो जाए, जैसे हम लोग रसगुल्ले में बनाते हैं ना वैसे। तो अभी गर्म है तो थोड़ा इसको संभाल के करिएगा चेक। ये देखिए चिपक रही है, इसका मतलब ये मेरी देखिए ये देखिए चिपक रही है, मेरी चाशनी हो चुकी है। तो इसको हटा देंगे। इधर एक पैन रख लिया है, इस पैन में मैंने देसी घी डाली है या आप कोई भी जो ऑयल खाते हैं वो डाल सकते हैं, इसमें मैंने डाल दिया है इसमें। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे इसको। और अब हम इधर अपना बैटर देखते हैं। ये देखिए अगर आपको दूध कम लगे तो इसमें थोड़ा सा दूध आप और डाल सकते हैं, लेकिन इतनी ही कंसिस्टेंसी हमको रखनी है। देखिए ऐसे, और ये इस तरह का चिमचा होता है, इसमें थोड़ा सा इसके अंदर हम देसी घी भी डाल दे रहे हैं।
तो ऊपर से करकरा रहे हो, अंदर से सॉफ्ट होंगे ये। इसको मिक्स कर देते हैं इसमें। देखिए चिमटा है ना, इसी से ही बनाएंगे, क्योंकि इस ऐसे ही से आपको ऐसे एक बार में ना डाला, तो इस तरह से हम इसको जैसे मैंने एक बनाया, ये मेरा देखते हैं चेक करके कि गर्म हो गया कि नहीं। ये देखिए हो गया है, ऊपर आ गया है। तो अब देखिए एक चम्मच लूँगी और यूँ करके डाल लूँगी। गैस को स्लो रखेंगे, और दो ही आएंगे इसमें, तो दो ही सीखिए, और इसको उठाएंगे नहीं जब तक ये एक तरफ से सीख नहीं जाएगा, ये अपने आप ऊपर आएगा ये। और हमेशा जब भी पैन रखें उसमें जो भी आप ऑयल डालें पूरा भर के नहीं डालिए, भर के डालेंगे तो ये अच्छे नहीं बनते, इसमें कम डालिए, बस यहाँ तक ही डालिए, यहाँ तक ही डालिए, बस यहाँ तक जितना मैंने डाला है बस इतना ही डालिए। और ऐसे फ्लैट बर्तन में बनाइए, ये देखिए धीरे धीरे सीख रही है अभी, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें सीखने में, पर इसको तेज बिल्कुल नहीं करिएगा नहीं तो कच्चा रह जाएगा ये। ये देखिए इसको पलट दिया है, और फिर धीरे धीरे इसको सीखने दीजिए, पलट पलट के इसको सेक लेंगे। ये देखिए सीख गया, कितना बढ़िया सीखा है ये। इसको ऐसे करके हम निकाल लेंगे और इसको गर्म ही गर्म चाशनी में डाल देते हैं। इसी तरह से मैं अगला अपना डाल देती हूँ। वही देखिए चाशनी में डाल दिया ये, और चाशनी में बस 5 मिनट डालूँगी फिर निकाल लूँगी इसको बाहर। ये देखिए चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, ये देखिए सब बन गए, मैंने चाशनी में से बाहर भी निकाल दिए हैं, और बहुत ही टेस्टी बनी ये देखिए, दोनों साइड से बढ़िया सीखे हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा, कभी भी आप बना सकते हैं, त्योहारों पे नहीं ऐसे भी कभी बना सकते हैं इसको। तो मैं भी इसको आपको सर्विस प्लेट में रख कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया ये बन गए हैं, ये हमारे मालपुए, और बहुत ही टेस्टी बने। एक हफ्ते तक आप आराम से इसको रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे, और बाहर आप 3-4 दिन रख लीजिए, लेकिन फ्रिज में आप रखेंगे तो एक हफ्ते तक खा सकते हैं आराम से। तो ये आप घर में ही बनाइए इसको, और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन क्लिक ज़रूर करिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक मिल जाए। और इस समय त्यौहार चल रहा है तो आप जो है इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि कोई और भी बना सके। वैसे तो सभी को आता है, लेकिन ये मैं अपनी तरह से बनाया है, तो एक बार आप इस तरह ज़रूर बना कर देखिएगा, और अगली वीडियो का वेट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।